नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, एक क्लास मैंने आप लोग को दी थी जिस पर मैंने लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने समझाया था आप लोगों को। आज मैं आप लोग को जो हम लोग का सिलेबस है कैलकुलस का, बिल्कुल हम लोग सिलेबस से ही चीजें लेकर के चलेंगे। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट, तो देखिए इसको समझते हैं, क्लस्टर पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे कि यहां पर मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पर हमारा कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग इसको सी। ठीक है, इसके हम लोग थोड़ा आगे आते हैं तो मान लेते हैं यहां पर आ गए तो ये हो गया हमारा सी प्लस डेल्टा। तो इतना ही यदि हम लोग पीछे आ जाएं तो यहां पर हो जाएगा हमारा सी माइनस डेल्टा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, डेल्टा होगी। इसी तरीके से ये वाली भी जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, डेल्टा होगी, है ना। तो अब देखो, यहां से यदि हम लोग इसके बीच में कहीं पर भी कोई एक्स ले लेते हैं, मान लो यहां पर हमने एक्स लिया, या मान लो यहां पर एक्स लिया, या यहां पर एक्स लिया, तो इसके बीच में कहीं पर भी हम लोग एक्स लेंगे तो एक्स और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होगा, डेल्टा से कम होगा, है ना। तो इसी बात को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, मैथमेटिक्स में। देखो समझो इसको, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने लेट ए इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू आर। ए पॉइंट रियल नंबर से हमने लिया और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इज क्लस्टर पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा, क्लस्टर पॉइंट इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। डेल्टा यहां पर हमने पॉजिटिव नंबर लिया हुआ था। ठीक है, तो सी हमारा क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा यदि एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू ए, सच दैट हम क्या लिखेंगे यहां पर, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, ये सी हमारा एक क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा यदि सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा के बीच में कोई एक ऐसा हमको एक्स मिल जाता है, कोई एक ऐसा एक्स मिल जाता है जिसकी डिस्टेंस एक्स और सी के बीच की क्या होगी, डेल्टा से कम होगी, है ना। डिस्टेंस को हम लोग ये मॉडुलस से भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो वही मैंने ऐसा लिखा है कि एक्स और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे कम हो जाएगी, डेल्टा से कम हो जाएगी। और यहां पर ये जो एक्स मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये जो एक्स मिलेगा ये कहां से मिलेगा, ये उसी सेट से मिलेगा जिस सेट से सी होगा। ठीक है, यदि हमको सीधी सी यदि हम लोग बड़ा बड़ा देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस सेट से सी बिलोंग कर रहा है उसी सेट का यदि कोई एलिमेंट सी के आसपास हमको मिल जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सी हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा। यदि एक भी एलिमेंट हमको मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि सी क्लस्टर पॉइंट होगा। यदि हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलता सी के आसपास, ठीक है, सी के ही सेट का, तो फिर हम लोग उस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमको यहां पर एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए सी के सेट का ही, जिस सेट का सी है उसी सेट का हमको कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो देखो इसको हम लोग, ये जो मॉड एक्स माइनस सी है ना लेस देन डेल्टा, इसको हमने जो पहले पढ़ा है
तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोला करते थे कि ये हमारा क्या है, सी का नेबरहुड है, है ना, सी का नेबरहुड। हम लोगों ने जब रियल एनालिसिस पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में तो वहां पर भी हमने इसको पढ़ा था। और सी हमारा क्या है यहाँ पर, ये क्लस्टर प्वाइंट कहलाता है। तो चलो इसको छोड़ो अभी नेबरहुड को, अभी तो हम लोग यहाँ पर क्लस्टर प्वाइंट पर फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लस्टर प्वाइंट कब कहलाएगा, जब इसके आस पास हम लोग क्या देख ले, इसी सेट का कोई हमको एक प्वाइंट मिल जाता है तो हम उस प्वाइंट को क्लस्टर प्वाइंट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो यहां पर हमने एग्जाम्पल ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में यदि हमने क्या कहा, हमने कोई नंबर लिया, हमने यहां पर कोई नंबर लिया, मान लो लेट 5 बिलोंगिंग टू एन, नेचुरल नंबर से एक नंबर ले लिया और डेल्टा भी ले लिया हमने, है ना। तो लेट हमने डेल्टा एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 ले लिया हमने। यहां पर देखो ये हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा क्या है डेल्टा 4.5 है। तो 4.5 पीछे आओ, 0.5 पीछे आओ तो 4.5 हो जाएगा, 0.5 आगे आओगे तो यहां पर हो जाएगा 5.5, है ना। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं हेयर ए इज इक्वल टू, सेट क्या है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो यहां पर हम यदि देखें तो यदि इसके आसपास के पॉइंट देखें, मान लो हम यहां पर देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, तो यहां पर 4.5 है, यहां पर 5.5 है, तो यहां पर हमको कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? तो आप कहोगे कि नहीं सर, यहां पर हमको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। हमको तो हम उसी पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे जिसके आसपास हम लोग यहां पर देखें तो हमको उसी सेट का कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए, है ना। ये गैप हमको ना मिले, क्योंकि यदि गैप मिल जाएगा तो फिर हम उसको क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे। यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, है ना। हमने क्या कहा था, उसके आसपास यदि हम देखें तो हमको उसी सेट का कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो 4 तो यहां पर है, तो यहां पर तो ये गैप क्रिएट हो गया ना हमारा, है ना। तो इस वजह से यहां इस पर हमको कोई पॉइंट नहीं मिला। तो यहां से हम ये कहेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंगिंग टू, ये जो हमने इसका नेबरहुड बनाया है 4.5 से 5.5, तो यहां पर हमको वेयर एक्स बिलोंगिंग टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, सो हम यहां से क्या कहेंगे, 5 इज नॉट ए क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। 5 हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास हमको आसपास में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिला। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम डेल्टा आपने 0.5 लिया, हम 20 ले लेते हैं, तो 20 के आसपास देखेंगे तो हमको कुछ नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, है ना। 5 के पहले और 5 के बाद कुछ नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, तो बात सही है। 20 यदि आप इतना बड़ा डेल्टा चूज करोगे तो कुछ ना कुछ तो उस पर आ जाएंगे नंबर, है ना। लेकिन ये कंडीशन हमारी जो होनी चाहिए, एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कोई भी डेल्टा आप कितना बड़ा से बड़ा डेल्टा ले लो और कितना छोटा से छोटा ले लो, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस डेल्टा के लिए, छोटे डेल्टा के लिए भी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, हमको कोई ना कोई उसके नेबरहुड में पॉइंट मिलना चाहिए उसी सेट का, ठीक है, तभी हम उसको क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर तो बड़े से बड़े के लिए तो हो जाएगा ट्रू, लेकिन छोटे से यदि आपने छोटा डेल्टा लिया है, 0.5 लिया है, तो फिर यहां पर हमको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता, इस वजह से हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं कहलाएगा, है ना। तो क्लस्टर पॉइंट का मतलब क्या है कि यहां पर हमको गैप नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यदि गैप है तो क्लस्टर पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करें इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब में कभी हमको क्लस्टर पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का आपने देख लिया, होल नंबर देखोगे जीरो ऐड हो जाएगा केवल, तो इस पर भी नहीं मिलेगा। इंटीजर देखोगे तो इस पर भी हमको नहीं मिलेगा, है ना, क्लस्टर पॉइंट, क्योंकि इन पर क्या होता है, गैप हो जाता है बीच में। अब देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर की, देखो यहां पर हमने लिया रियल नंबर, तो यहां पर देखो रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो गैप होता रही है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड डेल्टा हमने ले लिया ग्रेटर देन जीरो, देन जो हमारा नेबरहुड बनेगा वो क्या बनेगा,
x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखो ये हमारा क्या है, कोई एक पॉइंट है x, यदि हमने इसका नेबरहुड बनाया x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ठीक है, ये एक रियल नंबर है। तो इनके कोई भी आप कितना भी छोटा यहां पर नंबर लोगे तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, यहां पर आपको रियल नंबर मिलने ही मिलने हैं कुछ ना कुछ। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा कंटेन्स मेनी रियल नंबर, मेनी रियल नंबर, ठीक है, मेनी रियल नंबर। सो हम क्या कहेंगे, सो x इज ए क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, x हमारा क्या कहलाएगा, क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा। सो r has all its point, all its point as cluster point, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना होता है कि क्लस्टर पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट के आसपास उसी सेट की बहुत सारी वैल्यूज मिले, उसे हम क्लस्टर पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। अब जहां पर नहीं मिलेगी तो वहां पर हम उसको फिर क्लस्टर पॉइंट नहीं कहेंगे, बस इतनी सी बात है। अब इसी तरीके से एक देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं क्लस्टर पॉइंट का ही। देखो हमने एक सेट लिया ए फोर और इसको हमने डिनोट किया 1/n से, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका क्लस्टर पॉइंट हम लोग देखें तो इसका क्लस्टर पॉइंट क्या आएगा, तो यहां पर आप देखो, यहां पर हम यदि 1 रखेंगे तो हमको यहां 1 मिलेगा, यदि 2 रखेंगे तो हमको 1/2 मिलेगा, ठीक है, फिर 1/3 मिलेगा इस तरीके से। तो हमको ये नंबर इस तरीके से मिलते जाएंगे, ठीक है। और यहां पर हमको क्या मिलेगा, 1/4 आएगा यहां पर, फिर इसके बाद हमको यहां पर ऐसे ही छोटा होता होता यहां पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें देखें कि क्लस्टर पॉइंट कौन सा बनेगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यदि 1 को लेते हैं कि 1 पॉइंट का 1 क्या क्लस्टर पॉइंट होगा, तो यहां पर यदि हम एक नेबरहुड बनाते हैं छोटा सा, तो यहां पर क्या 1/n हमको कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/1 तो यहां मिल गया और 1/2 फिर हमको यहां नेचुरल नंबर यहां मिलेगा, तो यहां पर तो गैप क्रिएट हो गया ना, यहां पर हमको इसी सेट का कोई भी 1/n यहां पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट यानी कि ये हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके से यहां 1/2 में आओगे तो यहां पर भी हमको नहीं मिलेगा, यहां पर आओगे तो यहां पर भी हमको गैप मिल गया है ना, यहां ये भी हमारा कोई 1/n यहां पर नहीं मिलेगा, इसी तरीके से यहां पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर चलते आओगे यहां पर सब जगह आपको कोई भी पॉइंट 1/n का नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप 0 पर आओगे, यहां 0 पर आओगे तो 0 पर देखोगे, यहां पर हमने यदि ये एक नेबरहुड बनाया, ठीक है, तो यहां पर आप जरूर देखोगे कि हमने नेबरहुड बनाया कौन सा, 0-एप्सिलॉन और 0+एप्सिलॉन, ठीक है। तो contains always sum 1/n as 1/n epsilon, यदि हमने epsilon कोई भी पॉजिटिव लिया है तो हमको उससे छोटा 1/n मिलेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी है और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही हमको बताती है कि हर पॉजिटिव से छोटा हमको क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको यहां पर 0 पर हमको क्या मिल जाएगा, एक 1/n मिल जाएगा। तो यहां पर हमको 1/n मिल जाएगा, इस वजह से क्या होगा, हमको 1/n ही चाहिए था, है ना, क्योंकि 1/n मिलेगा तभी हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। तो इस वजह से हम यहां पर कहेंगे कि सो 0 इज ओनली द क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। तो 1/n के लिए
कौन सा पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होता है, केवल जीरो क्लस्टर पॉइंट होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग को तैयार रखना है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक इंटरवल लिया आई, ठीक है, क्लोज इंटरवल है जीरो और वन, और हमने यहां पर लेट किया लेट ए फाइव। ए फाइव में हमने क्या किया, आई इंटरसेक्शन क्यू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जीरो और वन के बीच में जितने भी रेशनल थे वो हमने यहां पर उठा करके रख लिया। ठीक है, रेशनल नंबर, तो ए फाइव में क्या आ गया, केवल रेशनल नंबर आ गया। तब देखो इसका भी हम लोग क्लस्टर पॉइंट देखते हैं। देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट ए फाइव, सॉरी यहां पर हमको लिखना था सी बी एनी पॉइंट ऑफ ए फाइव, है ना, हमने सी कोई पॉइंट लिया है ए फाइव का, एंड लेट डेल्टा हमने कोई एक पॉजिटिव ले लिया है, देन हमारा जो नेबरहुड बनेगा वो क्या बनेगा, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। अब इस नेबरहुड में क्या हमको कोई रेशनल मिलेगा, तो आप कहोगे यहां से ये नेबरहुड जो है हमारा कंटेन्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, इरेशनल्स बोथ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने रियल एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ी रखी है, डेंसिटी थ्योरम पढ़ रखी है, डेंसिटी थ्योरम पढ़ रखी है। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हमको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल मिलते हैं, ये डेंसिटी थ्योरम कहती है, है ना, तो हमको रेशनल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमने डेंसिटी थ्योरम में पढ़ा है रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो इस वजह से हमको यहां पर रेशनल इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेबरहुड में, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, यदि हमको रेशनल मिल जाएंगे तो हम यहां से कहेंगे, देखो सो सी इज ए क्लस्टर पॉइंट, है ना, यदि उसी सेट का हमको नंबर मिल जाते हैं उसके आसपास, उस पॉइंट के आसपास, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं। दैट इज, यहां पर हम फिर क्या कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट इन ए फाइव, सी तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना कहीं पर भी, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज एवरी पॉइंट इन ए फाइव इज ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, और यदि हम लोग आई की बात करें ना, आई की क्लोज इंटरवल जीरो कामा वन, तो इसके भी सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, इसके भी सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे कि यहां पर आप जीरो लोगे, यहां पर वन लोगे, है ना, तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट लोगे तो इस सेट का आएगा ही आएगा, लेकिन यदि जीरो को भी ले लोगे इस तरीके से तब भी यहां पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे पॉइंट। वन ले लोगे, वन का यदि आप नेबरहुड बनाओगे तो यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट इसी सेट के मिल जाएंगे, है कि नहीं, तो इस वजह से जीरो वन के भी सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट कहलाएंगे। और यदि मान लो यहां पर कहीं पर आपको इरेशनल भी मिलता है तो इसके आजू बाजू में भी आपको यहां पर रेशनल मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसके भी आसपास के यदि आप पॉइंट लोगे तो वो सभी क्या होंगे, इसी सेट के आपको पॉइंट मिल जाएंगे, इस वजह से इसका भी हर पॉइंट क्या होंगे, हमारे क्लस्टर पॉइंट होंगे। ठीक है, आई के भी सारे पॉइंट क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्लस्टर पॉइंट का मतलब क्या है, कि यदि हम लोग
किसी भी सेट का कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे और वहां पर देखेंगे कि उसी सेट के और भी एलिमेंट उपस्थित हैं या नहीं है। यदि उपस्थित है तो फिर हम उसको क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे, और यदि उपस्थित नहीं है उसी सेट के एलिमेंट तो फिर हम उसको क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आपको अब बताऊंगा डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं आपको क्लस्टर पॉइंट के, तो इनको आप लोग तैयार रखेंगे और डेफिनेशन भी इसकी तैयार रखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मैंने आपको एक क्लास में, जो इसके पहले मैंने आपको एक क्लास दी है उस पर मैंने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, ताकि सबको लिमिट के बारे में समझ बन जाए कि लिमिट में हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, अब हम लोग सीधे यहां पर लिमिट की ही बात करेंगे। देखो यहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा इस तरीके से क्या है, कोई एक फंक्शन है। अब यहां पर देखो, मान लो यहां पर हमारा कोई पॉइंट है यहां पर C। ठीक है, इससे हम लोग क्या कि ये क्लस्टर पॉइंट है हमारा, इससे हम लोग थोड़ा आगे आए यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, C प्लस डेल्टा। इससे थोड़ा पीछे गए यहां पर हमको मिल जाएगा C माइनस डेल्टा। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई ना। और देखो यहां पर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। और यहां से ये वाली जो लेंथ होगी ये भी क्या होगी, डेल्टा। ठीक है, और ये जो हमारी एक्सिस है, ये इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस, या इसी को हम लोग डोमेन एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो एक्सिस है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई इजकल टू एफ एक्स का एक्सिस। ठीक है, तब देखो यहां पर यदि हम लोग C पर, हमने देखा है फंक्शन कितना, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मान लो हम लोग मान लेते हैं C पर ये हमको L मिल रहा है। ठीक है, और यदि हम लोग C माइनस डेल्टा पर देखेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा F C माइनस डेल्टा, और C प्लस डेल्टा पर देखेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा ये, इसको हम लोग बोल देते हैं F C माइनस डेल्टा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां से जैसे जैसे हम लोग C की तरफ आएंगे, मान लो हम लोग राइट हैंड साइड से C की तरफ आ रहे हैं, यहां से ऐसे हम लोग C की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग C की तरफ आएंगे आप देखोगे कि जो ये फंक्शन की वैल्यू है ये किसकी तरफ आएगी, ये आपकी धीमे धीमे एल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप सी के करीब आते जाओगे, जितना आप सी के करीब आओगे उतना ये जो वैल्यू है वो L के करीब आती जाएगी, है ना। और दूसरी बात, इसी तरह से यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी C के पास आएंगे तो आप देखोगे जितना आप C के पास आओगे उतना ये वैल्यू यहां से भी लेफ्ट साइड से भी L की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जितना यहां पर ये जो आप जो भी x लोगे, है ना, मान लो हमने ये यहां पर x ले लिया और हमको वैल्यू ये मिल गई, हमने यहां पर x ले लिया c के पास में, वैल्यू ये मिल गई, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो x ले रहे हैं तो x और c के बीच का गैप हमारा क्या होगा, कम होगा, है ना। x और c के बीच का जो गैप है, जैसे जैसे हम c के तरफ आएंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वेन एवर x टेंडिंग टू c, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, x और c के बीच का गैप कम होगा, कब, वेन एवर x इज टेंडिंग टू c, जब हम x को c की तरफ ला रहे हैं, चाहे इधर से लाएं या इधर से लाएं। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है जब x टेंडिंग टू c, तो चेंज ये हो रहा है यदि हम लोग, जैसे हमने ये डिस्टेंस डेल्टा ली है उसी तरीके से हमारी ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाली जो डिस्टेंस होगी,
तो ये हमारी डेल्टा तो नहीं होगी, है ना, कुछ दूसरी होगी, जरूरी थोड़ा कि यही लेंथ यहां पर भी हो। तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, ये एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्स टेंड कर रहा है सी की तरफ, यानी कि एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, उसी तरीके से एफ सी माइनस डेल्टा और एल के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोल दें, एफ एक्स बोल दें, हर एक्स पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहां पर ये एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स और एल के बीच का भी डिस्टेंस कम हो रहा है, किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशन है लिमिट की, ठीक है। इसको हम लोग चलिए अब मैथमेटिकली लिख लेते हैं, कैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एफ एक्स और एल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, किससे, एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एक्स माइनस सी का मॉड किससे कम हो जाए, डेल्टा से। जैसे जैसे एक्स सी की तरफ आएगा तो डेल्टा से ये डिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। और यहां पर क्या चेंज होगा कि एफ एक्स और एल के बीच का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इस पर कोई डाउट नहीं है कि एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में भी क्या होगा, रिलेशन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या हो, एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। यदि ये कंडीशन हो जाती है देन हम क्या कहेंगे, देन हम कहते हैं कि एफ एक्स की जो लिमिट है वो किधर जा रही है, एल की तरफ जा रही है, व्हेन एवर एक्स टेंडिंग टू सी, ठीक है। जो चीज मैंने यहां पर समझाई है उसी को मैंने यहां पर लैंग्वेज में मैथमेटिकली लिखा हुआ है, आपके सामने डेफिनेशन बना के लिखी है मैंने, ठीक है। इसी को यदि आप लोग दूसरी तरीके से लिखना चाहिए लिखना चाहते हैं लिमिट के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल, ठीक है। इसी बात को हमने ऐसा भी लिख दिया है, ठीक है। तो एक ही बात है, चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, लेकिन हमको ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन समझनी थी, तो वो मैंने आपको समझाया। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने एप्सिलॉन को क्यों चूज किया, डेल्टा को क्यों नहीं चूज किया, है ना, डेल्टा भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम पहले डेल्टा को चूज करें बाद में एप्सिलॉन लिखें। तो ऐसा आप कर सकते थे, है ना, डेल्टा को भी आप चूज कर सकते हो और एप्सिलॉन को फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये काम डेल्टा को चूज करना और एप्सिलॉन फाइंड करना टफ पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको काफी कठिनाई आएगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी अपेक्षा कि आप पहले एप्सिलॉन को चूज कर लो और बाद में डेल्टा फाइंड कर लो, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग सभी जगह पर जहां पर भी बात करेंगे लिमिट की, वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन को चूज कर लेंगे और आसानी से हमको डेल्टा यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि ये रिलेशन हम लोग यहां पर प्रूफ कर पाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो जो भी यहां पर हम लोग दिखाएंगे वो एल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिमिट जब आपके पास क्वेश्चन आएगा इसका प्रूफ करने का, तो वहां पर आपको फंक्शन भी दिया रहेगा, ठीक है, और आपको पॉइंट भी दिया रहेगा जिस पर आपको लिमिट फाइंड करनी है, और वो लिमिट भी दी रहेगी, ठीक है, सब कुछ दिया रहेगा। बस आपको क्या करना होगा, इसी डेफिनेशन से प्रूफ कर देना होगा, तो वो हम लोग देख लेंगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां तक की चीज यदि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो, ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, तो मतलब यदि इतना बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है लिमिट का, ठीक है। इतना ही आपको लिमिट में देखना था। देन यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, जो फंक्शन है इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एट एक्स इजकल टू सी, यहां पर लिख सकते हो टुवर्ड्स एल, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि इफ एफ एक्स हैज नो लिमिट, यदि लिमिट नहीं मिलती है, देन हम क्या कहेंगे, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो
तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पर मैं आपको एक थ्योरम है जिसको हम लोग यूनिकनेस ऑफ लिमिट के नाम से भी जानते हैं, और आपने रियल एनालिसिस में फर्स्ट सेम में आपने सीक्वेंस की जब लिमिट फाइंड की थी तो वहां पर भी आपने यूनिकनेस ऑफ लिमिट देखा था, तो इसका भी प्रूफ कुछ जो सीक्वेंस की लिमिट हमने देखी थी यूनिकनेस वाली थ्योरम, तो उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास पर ही कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन यहां तक की चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।